जा आप आएंगे और बेहद आधुनिक ये मेट्रो है। इसमें ब्रीफिंग दी जा रही है प्रधानमंत्री को कि कितनी खास और कितनी उन्नत तकनीक के साथ में इस मजेंटा लाइन पर ये मेट्रो चलाई जा रही है। इसमें बताया जा रहा है ड्राइवर्स की भी ज़रूरत नहीं होगी। साथ में आप देख पाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मेट्रो सेवा देश को समर्पित की है। हालांकि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और कहते भी हैं कि दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो है। और जब से मेट्रो चली है और जैसे जैसे इसका विस्तार चरणबद्ध तरीके से क्रमबद्ध रूप से हो रहा है, इसने लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया है। और यकीन मानिए बहुत से लोग दिल्ली से नोएडा आते हैं, नोएडा से कई लोग दिल्ली जाते हैं। नेशनल कैपिटल रीजन में ये लोगों का आना जाना लगा रहता है, रोज का आवागमन होता है। और उसमें ये मेट्रो बड़ी सहूलियत लोगों के लिए लेकर आई है। ये एक ऐसी लाइन है जो दिल्ली और नोएडा को जोड़ेगी और एक अलग रूट से जोड़ेगी। पहले जो लाइन मौजूद थी उससे अलग, ब्लू लाइन से अलग, ये मेजेंटा लाइन है और दिल्ली के दूसरे इलाकों को ये सीधे नोएडा से जोड़ने वाली है। और ऐसे ही इस मेजेंटा लाइन का आगे भी विस्तार होगा चरणबद्ध और क्रमबद्ध तरीके से। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बताया जा रहा है कि किस तरह से ये मेट्रो डिजाइन की गई है और क्या इसका रूट प्लान रहेगा। बड़ा दिन है आज, खासतौर पर इस इलाके के लिए। और देश जिस आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ रहा है उसे लेकर भी आज एक बड़ा और अहम दिन है। जैसा कि मेट्रोज में स्टेशंस पर होता है, एक तरफ सीढ़ियां हैं, एक तरफ ये एस्केलेटर है, ठीक वैसी ही बुनियादी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन कुछ टेक्निकली रिच या कहें एडवांस्ड ये मेट्रो होगी पुरानी मेट्रोज की तुलना में। खास तौर पर जो आप जयपुर में मेट्रो देखते हैं उसमें ड्राइवर्स की आवश्यकता पड़ती है और चढ़ने उतरने के लिए गेट्स हैं। इसमें प्लेटफॉर्म पर ये देखिएगा अलग से गेट और अलग से एक कॉरिडोर है। ऐसा नहीं है कि कोई उससे आगे निकल पाए। और ये बड़ा सिंक्रोनाइज्ड है, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ है तकनीक के सहारे, जिससे दो दरवाजे होंगे। अब इसमें अगर आप देख पाएंगे अभी तो आप समझेंगे, एक मेट्रो का दरवाजा जो आप देखते रहते हैं अगर आपने मेट्रो में सफर किया है, एक दूसरा दरवाजा और होगा। और मेट्रो का और ये बाहरी दरवाजा दोनों एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हैं कि दोनों एक साथ ही खुलेंगे, एक साथ ही बंद होंगे। ये देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें प्रवेश किया है, बिल्कुल रेड कार्पेट उनका वेलकम हुआ है। और तमाम बड़े नाम प्रधानमंत्री के साथ में मौजूद हैं। और ये दो गेट्स हैं, आप देखिएगा, एक मेट्रो का गेट है जहां प्रधानमंत्री अभी अंदर दाखिल हुए हैं और दूसरा गेट ये गेट है जो बाहर की तरफ है, बिल्कुल एक शीशे की दीवार से आप देख पाएंगे। वो दोनों एक साथ खुलेंगे, बंद होंगे। तो ये एक नई व्यवस्था है जो मेट्रो में आप देखेंगे, सिक्योरिटी के पूरे पुख्ता बंदोबस्त। और बाकी मेट्रो में जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अंतर्राष्ट्रीय एहसास कराता है, पश्चिमी देशों का एहसास कराता है, उससे ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस इस मैजेंटा लाइन पर आपको होगा। तो ये देखिएगा अंदर की तस्वीरें। इस मेट्रो में सफर करके याद आपको होगा, इससे पहले हैदराबाद मेट्रो का वो वक्त, अब से कुछ दिनों पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में मेट्रो समर्पित की थी देश को और हैदराबाद की जनता को, अब नोएडा में ये मेजेंटा लाइन की मेट्रो है जो देश को समर्पित की गई है।
और चरणबद्ध तरीके से एक एक कर इसका विस्तार होना है। नई नवेली मेट्रो और अंदर से हालांकि कूपे या कोचेज आपको वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इसकी सीट्स ज़्यादा आधुनिक हैं और आरामदेह हैं, और ये मेट्रो अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें सफ़र कर रहे हैं और साथ में तमाम गणमान्य लोग मौजूद हैं। तो एक ये छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण सफर रहेगा, और आगे इसका विस्तार दिल्ली के पश्चिमी इलाके को एनसीआर के बेहद पूर्वी इलाके से जोड़ने का होगा। अब चूंकि इस मेट्रो का विस्तार और भी आगे के लिए हो रहा है, तो वक्त के साथ आप देखेंगे ये और आगे तक बढ़ती दिखाई देगी, और नोएडा के बीच इन बहुमंजिला इमारतों के बीच से होते हुए ये मेट्रो अपने गंतव्य के लिए बढ़ चली है, और आधुनिक भारत की और आधुनिक होते भारत की एक नई मिसाल पेश कर रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि इस मेट्रो से कई लोगों को वक्त बचेगा, पैसा बचेगा, आराम मिलेगा, वातानुकूलित डब्बों में वो यात्रा कर पाएंगे पीएम और मोदी का आराम से भाषण होगा, जो गंतव्य माना जा तक रहा है कि पहुंच लगभग पाएंगे। 40 से 45 मिनट तक पीएम मोदी सभी को संबोधित करेंगे। जो विकास की गाथा शुरू हुई है यूपी में, उसका लेखा जोखा भी रखेंगे, और आगे आने वाले दिनों में यूपी के लिए और क्या क्या सौगात दिया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा, या योगी आदित्यनाथ क्या क्या करने वाले, इसकी भी रूपरेखा रखी जाएगी। तो ये है, इस पर राजनीति का रंग न लगाया जाए, और इसलिए कभी कभी विकास के उत्तम काम भी हमेशा जनहित के तराजू से तोलने के बजाय राजनीतिक दलों के हितों के तराजू से तोले जाते हैं। आज भी हम देश में बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम पैदावारों को इंपोर्ट करते हैं। देश का बहुत सारा धन इसमें खप रहा है। हमारी कोशिश है कि 2022, जब भारत की आजादी के 75 साल हो, तो विदेशों से जो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ हमारे देश की जो रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है, 2022 में रिक्वायरमेंट और बढ़ने वाली है। हम कुछ ऐसे कदम उठाना चाहते हैं कि इस बढ़ती हुई रिक्वायरमेंट के बावजूद भी आज हम जितना इंपोर्ट करते हैं उसमें कुछ परसेंट हम कमी कर सकते हैं क्या? देश का धन देश में बचा सकते हैं क्या? और इसलिए मास ट्रांसपोर्टेशन, रैपिड ट्रांसपोर्टेशन, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, यह समय की मांग है। आज शायद धन खर्च करने में दिक्कत आती है,
प्राथमिकताओं को थोड़ा बदलना पड़ता है, लेकिन इसके कारण आने वाले समय में इसका बहुत लाभ होने वाला है। इस मेट्रो के साथ सोलार एनर्जी को भी जोड़ा गया है, करीब करीब 2 मेगावाट बिजली सोलार एनर्जी से उत्पादन होगी, सूर्य शक्ति से उत्पादन होगी, जो इस मेट्रो के खर्च को कम करने में काम आएगी। इस मेट्रो के कारण जो प्राइवेट व्हीकल में जाते हैं वो स्वाभाविक रूप से मेट्रो पसंद करेंगे, और उनकी तरफ से भी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का खर्च होता था उसमें बहुत बड़ी भारी मात्रा में बचत होगी। एनवायरमेंट को फायदा होता है, और मैं चाहता हूं कि मेट्रो ट्रैवलिंग ये हमारे देश में एक प्रतिष्ठा का विषय बनना चाहिए, प्रेस्टीज का विषय बनना चाहिए। हर व्यक्ति गर्व से कहे, नहीं नहीं मैं तो गाड़ी नहीं ले जाऊंगा भाई, मैं तो मेट्रो से जाना पसंद करूंगा। ये हमारी मानसिकता में बदलाव हमें लाना होगा, और तब जाकर के हम देश को कई समस्याओं से बचा सकते हैं। और हमारे लिए गर्व की बात है कि 24 दिसंबर 2002 अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के सबसे पहले मेट्रो के पैसेंजर बने थे। आज उस घटना को 15 साल हो गए, उस समय आरंभ हुआ था, आज 100 किलोमीटर से भी ज्यादा ये नेटवर्क फैल चुका है, और आने वाले कुछ और समय में ये और बड़ी मात्रा में जुड़ने वाला है। वो दिन दूर नहीं होगा जब दुनिया के पहले 5 मेट्रो नेटवर्क में हमारे इस नेटवर्क का भी नाम दर्ज हो जाएगा। और ये चीजें देशवासी के लिए एक गौरव का विषय होता है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को हम एक गुड गवर्नेंस के डे के रूप में भी मनाते हैं। कभी कभी हमारे देश में ये मान करके चला जाता है सब ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही रहेगा, छोड़ो यार कौन करेगा। और कभी हम कहते हैं हम तो बहुत गरीब देश हैं, क्या करें कुछ है ही नहीं हमारे पास। सच्चाई ये नहीं है दोस्तों, ये देश संपन्न है, समृद्ध है, लेकिन देश की जनता को उस संपन्नता और समृद्धि से अलग रखा गया है, और इसलिए अगर बारीकियों में देखा जाए तो ध्यान में यही आता है कि समस्याओं की जड़ में एक महत्वपूर्ण कारण है गवर्नेंस का अभाव, सुशासन का अभाव। होती है, चलती है, मेरे पराए तेरे अपने, चीजें उसी में उलझ जाती हैं, और एक स्वभाव बन गया है कोई भी काम लेके जाओ हर कोई सामने देखता है तो धीरे से पूछता है मेरा क्या,
पूछता है कि नहीं पूछता है? यही आदत है ना। और अगर सामने से जवाब फीका आया, तेरा कुछ नहीं अगर ये हुआ, तो फिर वो हाथ ऊपर करके बोल देता है, तो फिर मुझे क्या। शासन व्यवस्था मेरा क्या वहीं से शुरू हो, और अगर मेरा स्वार्थ सिद्ध न हो तो मुझे क्या, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये स्थिति ने देश को तबाह किया है, और मैंने उसे बदलने का बीड़ा उठाया है। मैं जानता हूं ये चीजें करने में कितनी दिक्कत होती है, मैं भली भांति जानता हूं। लेकिन आप मुझे बताइए, राजनीतिक लाभ हो तभी निर्णय करना चाहिए, और राजनीतिक लाभ न हो तो निर्णय ही नहीं करना चाहिए? क्या देश को ऐसे अधर में लटकने देना चाहिए क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, देश ने एक ऐसी सरकार चुनी है जो नीति पर चलना चाहती है, साफ नीयत के साथ काम करना चाहती है, और सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव लाने के सपनों को पूरा करने के इरादे से काम करती है। हमारे सारे निर्णय सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए है। ये मेट्रो का आज उद्घाटन हो रहा है, करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। मैं नहीं मानता हूं हिंदुस्तान के जो टॉप 10 उद्योगपति होंगे उसमें से कोई इसमें सफर करने के लिए आने वाला है। इसमें तो सफर करने वाले आप लोग हैं, बड़े गर्व के साथ यात्रा करने वाले लोग हैं, और मैं भी यहां आपके लिए आया हूं। गुड गवर्नेंस आपने देखा होगा, उन राज्यों की प्रगति अच्छी हो रही है जहां पर गवर्नेंस पे बल है, गुड गवर्नेंस का प्रयास है, और जहां जहां पर गवर्नेंस में सुधार शुरू होता है, शासन व्यवस्थाओं में सुधार शुरू होता है, सरकार अकाउंटेबल बनती है, मुलाजिम रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, पूरी व्यवस्था प्रशासन रिस्पॉन्सिव होता है, तो अपने आप समस्याएं कम होती नजर आती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने शासनकाल में गुड गवर्नेंस पर बल दिया, देश को कनेक्टिविटी के लिए बल दिया। आज एक योजना पूरे देश में किसी भी एमएलए को मिलिए, किसी भी एमपी को मिलिए, एक चीज को वो जरूर आग्रही होता है, होनी चाहिए, और वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस देश में उन बातों को भुला देने का भरसक प्रयास हुआ है कि आखिरकार गांव गांव सड़क पहुंचाने का ये सपना किसका था। बहुत कम लोगों को मालूम है ये सपना अटल बिहारी वाजपेयी का था।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अगर किसी ने लगाई तो अटल बिहारी वाजपेयी ने लगाई, और उसके कारण आज हिंदुस्तान का हर गांव पक्की सड़क से जुड़ रहा है। और जब से हम आए हैं हमने बीड़ा उठाया है कि 2019 तक हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ करके वाजपेयी जी ने जिस काम को आरंभ किया था उसको पूर्णता की ओर ले जाना। स्वर्णिम चतुष्क पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का काम किसी समय रास्ते बनाने के लिए इतिहास में हम शेरशाह सूरी का नाम सुनते आए थे, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का एक ही कल्पना का एक ही डिजाइन का स्वर्णिम चतुष्क बनाने का सपना वाजपेयी जी ने देखा और अपने ही कार्यकाल में बहुत मात्रा में उसको गति भी दे दी। आज पूरा देश ये नई कनेक्टिविटी, नई रोड रखना उसे देख करके उसको लगता है हां ऐसा लग रहा है कि हम अब दुनिया की बराबरी कर रहे हैं। ये मेट्रो का सपना जिसके पहले पैसेंजर अटल बिहारी वाजपेयी थे, आज हिंदुस्तान के अनेक शहरों में मेट्रो का काम चल रहा है। 50 से अधिक शहरों में बहुत ही जल्द मेट्रो का नेटवर्क, और दुनिया को भी आश्चर्य होता है कि एक देश में मेट्रो नेटवर्क के लिए इतनी बड़ी मात्रा में काम चल रहा है। और विश्व पूंजी निवेश भी करने वाले इसमें रुचि लगा रहे हैं। 1200 कानून, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैंने एक जगह पे भाषण में कहा था कि पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती हैं कि हमने ये कानून बनाया, वो बनाया, डिकना बनाया, फलाना बनाया। अच्छी बात है कानून बनाना, पार्लियामेंट का विशेष जिम्मेवारी है और समय की आवश्यकता के अनुसार बनाने भी चाहिए, लेकिन मैंने चुनाव अभियान में कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद हर दिन एक कानून खत्म करना चाहूंगा। कानूनों का ऐसा जाल, ये गुड गवर्नेंस की सबसे बड़ी रुकावट। एक ही काम के लिए आपको 3 कानून मिल जाएंगे। अगर अफसर करना चाहता है तो एक निकालेगा, लटकाना चाहता है तो दूसरा कानून निकाला, और अगर भटकाना चाहता है तो तीसरा निकालेगा। सामान्य मानवीय को इससे समस्याएं होती, और इसलिए सरकार ने अब तक करीब करीब 1200 कानून खत्म कर दिए। गुड गवर्नेंस की दिशा में मुझे बराबर याद है, जब मैं पहली बार नया नया प्रधानमंत्री बना तो अखबारों में स्पेशल न्यूज छपते थे, बॉक्स आइटम छपती थी, क्या कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लोग समय पर दफ्तर आने लगे हैं। अब मुझे बताइए ये खुशखबरी है ये दुख होने वाली खबर है? बहुत लोगों को खुशी हुई कि चलो मोदी जी आए तो लोग समय पर आने लगे, लेकिन मुझे दुख हुआ
कि मेरा देश का क्या हाल है, कि एक अफसर समय पर दफ्तर चला जाए तो भी मेरा देश खुश हो जाता है, उसने कितने दुख देखे होंगे, इसका ये जीता जागता उदाहरण। मैं आज हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। बहुत उत्तम तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, सभी दिशाओं में विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, गुड गवर्नेंस पर बल दे रहे हैं, लेकिन उनके कपड़े देख करके ये भ्रम फैलाया जाता है कि वे आधुनिक सोच के हो ही नहीं सकते, ये पुराण पोथी होंगे, ये मान्यताओं में बंधे हुए होंगे, लेकिन आज मुझे खुशी है कि जिस नोएडा के संबंध में एक छवि बन गई थी कि कोई मुख्यमंत्री यहां आ नहीं सकता है, उस मिथक को योगी जी ने बिना बोले अपने आचरण से सिद्ध कर दिया कि ये सब मान्यताएं गलत होती है, आधुनिक युग ऐसा हो नहीं सकता, और इसलिए मैं योगी जी को हृदय से बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री कहीं जाने से कुर्सी चली जाएगी इस डर से अगर जीते हैं तो ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनने का हक ही नहीं है। मान्यताओं में कैद कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता है। हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, विज्ञान के युग में जी रहे हैं, श्रद्धा का अपना स्थान होता है, लेकिन अंधश्रद्धा के लिए कहीं जगह नहीं हो सकती। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री बना, अब ये मुसीबत सिर्फ उत्तर प्रदेश में है ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान के कई राज्य ऐसे हैं, कई जगह ऐसी हैं जहां मान्यताओं में पता नहीं क्या क्या, आपने देखा होगा एक मुख्यमंत्री ने कार खरीदी, मैं आधुनिक युग की बात कर रहा हूं, और किसी ने बता दिया कार के कलर के संबंध में, तो उन्होंने कार के ऊपर पता नहीं नींबू और मिर्ची नजारे क्या ये लोग देश को क्या प्रेरणा देंगे। ऐसी अंधश्रद्धा में जीने वाले लोग सार्वजनिक जीवन का बहुत अहित करते हैं। सारे हिंदुस्तान में कहीं न कहीं इस प्रकार की मान्यताओं में कई सरकारें कई मुख्यमंत्री फंसे पड़े हैं। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री बना, मेरे ध्यान में कोई 6 या 7 जगह ऐसी लाई गई कि वहां तो जा ही नहीं सकते, अगर वहां कोई जाता है तो बाद में वो मुख्यमंत्री रहता ही नहीं है, उसकी कुर्सी चली जाती है। मैंने बीड़ा उठाया, मैंने कहा मेरे दौरे में पहले ही साल में सारा पूरा कर दो, मैं उन सब जगह पे गुजरात में गया
जहां इस प्रकार की मान्यताओं के कारण तीन तीन चार चार दशक से कोई मुख्यमंत्री उस तरफ गया तक नहीं, सारा मैंने खत्म कर दिया, सब जगह पे गया, शान से गया, और उसके बाद भी सबसे लंबे कार्यकाल तक सेवा करने का मौका मुख्यमंत्री तक के नाते मुझे मिला। अब उस गांव का, उस तहसील का, उस नगर का क्या दोष था, लेकिन आज योगी जी ने नोएडा का तो साथ ये जो टीका लगा था उसको अपने बलबूते से हटा दिया। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। भाइयों बहनों, गुड गवर्नेंस, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन, जब मैं गुड गवर्नेंस की बात करता हूं तो मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। आप देखिए, यूरिया का कारखाना लगे और यूरिया के उत्पादन में बढ़ोतरी हो, ये तो छोटा बच्चा भी जानता है, लेकिन देश में एक भी नया यूरिया का कारखाना लगाए बिना हमारी सरकार बनने के तुरंत बाद गुड गवर्नेंस को बल दिया गया, आवश्यक नीतियों को निर्धारित किया गया, रोडमैप बनाया गया, लागू किया गया, एक भी नया यूरिया का कारखाना न बनाते हुए भी करीब करीब 20 लाख टन यूरिया अधिक उत्पादन हुआ। वही कारखाने, वही मशीन, वही रॉ मटेरियल, वही मजदूर, सरकार बदलने के बाद गुड गवर्नेंस पर बल दिया, नया कारखाना न लगते हुए भी उसी पुरानी व्यवस्था में 18-20 लाख टन यूरिया बढ़ जाना, ये गुड गवर्नेंस के कारण होता है। भाइयों बहनों, रेल की पटरी बिछाने का काम रेल के मुलाजिम उतने ही है, रोड रास्ते वही है, रेलवे विभाग वही है, निर्णय करने वाले लोग वही हैं, फाइल का आने जाने का रास्ता भी वही है, उसके बावजूद भी है। क्या कारण है कि पहले जितनी रेल की पटरी एक दिन में बिछाई जाती थी, आज हमारी सरकार बनने के बाद उससे दो गुना पटरी बिछाई जाती है? कारण, नीति स्पष्ट, नियत साफ और गुड गवर्नेंस पर बल, उसी का परिणाम एक होता है। नई रेल लाइन उसी प्रकार से